पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के मंच से संजय सिंह जो है वो एड्रेस करने वाले हैं, अपने और नेताओं से मिल रहे हैं। तो एक एक करके सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं से वो मिल रहे हैं और बातचीत जो है वो करेंगे। उसके बाद में वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे। तो संजय सिंह आप किसी भी समय बोल सकते हैं। दोस्तों इनको जेल से इनको बेल मिली है और बेल इनको इस वक्त गोपाल राय के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे कुलदीप मौजूद है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद है। और एक बड़ी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि इनको इस वक्त बेल मिली है, ये अपने केस के संबंध में बात नहीं कर सकते पर बाकी राजनीतिक गतिविधियाँ कर सकते हैं। उनके साथ में अगर आप देखेंगे वहाँ पे सोमनाथ भारती भी मौजूद है। तो स्टेज पे अभी संजय सिंह आ रहे हैं, संजय सिंह बोलने वाले हैं, हम संजय सिंह के पास लाइव जाते हैं। भारत माता की, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, हमारा कार्यकर्ता मंच पर आसीन। हमारे सभी सुख दुख के साथी, संघर्षों के साथी और हमारा एक एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का जमकर मुकाबला कर रहा है, उसको सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं और नमन करना चाहता हूं। और इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय से देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं ये आम आदमी पार्टी है, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं, तुम्हारे किसी बदर घुड़की से डरने वाले नहीं है, तुम्हारे किसी बदर घुड़की को डरने वाले नहीं है। तुम हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हो, अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में भेज दिया, मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में भेज दिया, सत्येन जैन को तुमने जेल में भेज दिया। उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि वो मुफ्त में पानी देना चाहते हैं, हमारी माताओं बहनों को आर्थिक संकट में अपने पति का चेहरा ना देखना पड़े इसलिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं। उनका गुनाह यह है कि हमारी माताएं बहने जब मजदूरी करती हैं, उनके पास बस का किराया नहीं होता, एक ऑटो वाले की बेटी जो कॉलेज जाती है उसके पास बस का किराया नहीं होता। उनका गुनाह यह है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को बस की यात्रा के लिए 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आतिशी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ, तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है। मैं कहना चाहता हूं